जी जसवंत भाई, आपने पवन सिंह को लेकर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। जी पावर जी स्टार पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के सबसे कामयाब कलाकारों में से एक। जी उनके साथ आप फिल्म बनाने वाले थे, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था, उस फिल्म का क्या स्टेटस है? जसवंत कुमार एक बार फिर से पावर स्टार पवन सिंह के साथ कब काम कर रहे हैं? जी देखिए, हमने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि पवन जी से हमारी मुलाकात होने वाली है। चूँकि मैंने कहा था कि एक सिनेमा हम लोग फाइनल कर चुके हैं और हमारे सिनेमा की स्टोरी पे अभी काम चल रहा है। बाकी अभी लंदन से जब लौट के आए हैं पवन जी, अभी 4 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है उनसे, बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई प्रोजेक्ट को लेके, और उसकी बारीकियों पे हम लोग ध्यान रखते हुए जो है कहानी का एक अच्छा वो चल रहा है, और जैसे ही उसकी रूपरेखा बढ़िया से तैयार हो जाए उसके बाद दर्शकों के बीच में अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो मैं ये मानूं कि पवन सिंह से आपकी मुलाकात अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले हुई जी, है जी, जी, और कहानी को लेकर आप लोगों ने डिस्कशन किया। जी जी जी। क्या पवन सिंह ने अपने इनपुट्स दिए, क्या पवन सिंह ने भी अपनी तरफ से कुछ चीजें उसमें बताई कहानी में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पवन जी, एक बात तो है कि कभी भी वो जानते हैं कि हाँ जसवंत कुमार है, सिनेमा बनाएगा तो अच्छा सिनेमा बनाएंगे, इसलिए उनका मतलब कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। जब राइटर उन चीज़ को मोटिवेट करता है तो जब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं एक बार कहानी को, तो ओके कर देते हैं, उसमें कोई उनका मतलब ये नहीं। खाली उनको चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए कि मतलब हाँ स्टोरी सही दिशा में जा रही है, अच्छी फिल्म बनेगी, तो बाकी और कुछ नहीं। जी, तो मतलब काफी बातें हुई आपकी पवन सिंह जी 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 फिल्म को लेकर, बाकी जी आप क्या आपने ये नहीं जानने की कोशिश की कि होली वाले दिन उन्होंने लाइव आकर किसी को धमकी दी मारने की? आप कई लोगों ने कहा कि वो नशे में थे और वो धमकी दे रहे थे बार बार, बहुत मारूंगा बहुत मारूंगा, क्या आपने ये समझाने की कोशिश नहीं की कि पवन जी ऐसा मत कीजिए? देखिए ये उनका निजी मामला ऐसा रहा होगा कि किसी ने कुछ ऐसा कुछ उनके साथ हरकत किया हो, और वो वीडियो तो मैंने देखा भी नहीं जो लाइव आए थे। मतलब मैं भी अपने काम में जनता दरबार में बिजी हूँ, नई फिल्म का जो मेरा आगे प्लानिंग चल रहा है उसका म्यूजिक सेटिंग पे बैठा हुआ हूँ, काम चल रहा है, तो समय मिला नहीं वो वीडियो देखने का। लेकिन हो सकता है, इस बारे में जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है कि पवन जी उस जो है कब लाइव आए। और अगर देखो पवन जी एक ऐसे शख्स हैं जो कि वो लाइव जल्दी आते ही नहीं हैं, मैं इतना कहूंगा कि जब बहुत ज़्यादा कोई छेड़खानी कर देता है कुछ रहता है तो वो भी आते हैं तो समझाने के हिसाब से कि बाबू हमको तंग मत करो। मतलब समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको नहीं लगता कि कुछ अलग किस्म का समझाने का तरीका है कि मैं मारूंगा बहुत मारूंगा आके हाथ दिखा के इस तरह से, ये समझाने का तरीका बढ़िया है? इसी तरह से आप भी किसी को इसी तरह से समझाते हैं जसवंत जी? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं क्या, दुनिया हो कोई भी हो, कोई कोई हमको गाली देगा तो आदमी कहता है ना कि मतलब उसको उस तरीके से समझाने की कोशिश करता है, या कोई भाईचारे में किसी को छोटा भाई मानता हो तो कहता हो कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा सुधर जाओ, तो वो समझाने का भी तरीका अलग हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि पवन जी मतलब बनने से दे रहे कि जिस तरह से पवन सिंह ने समझाया सही है, तो सही ठहराऊंगा, सही है उनका उनका जो है। आप इस मामले में पवन सिंह के साथ खड़े हैं? वो कंट्रोवर्सी में रहते नहीं, आपको पता है पवन जी कभी किसी के लिए मतलब कंट्रोवर्सी में आते ही नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ बात हो जाएगी समझाने के हिसाब से आते, जहाँ तक मैंने देखा है वो विवादों में नहीं आते, लेकिन हर चौथे दिन उनको लेकर कोई ना कोई विवाद नजर आता है, क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कैसा कह सकते हैं कि चौथे दिन पे कहाँ पवन जी को लेके विवाद आता है? हाँ कुछ लोग हैं और जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे जो कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, उनको आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए। बाकी पवन जी को तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह का वो 4 दिन पे 2 दिन पे आते हों, बहुत ज़्यादा हो जाता तो कई साल 2 साल पे एक आध बार किसी को समझाने के हिसाब से आते हैं। जसवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया सारी बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।